साथ बीजेपी के तमाम पार्षद मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम आपको जरा तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि आखिरकार ये पूरा हंगामा किस तरह से लगातार 12 घंटे से चलता रहा। कल का दिन बहुत अहम था क्योंकि मेयर का चुनाव हो गया, शेली ओबरे मेयर बन गए, उसके डिप्टी मेयर भी बन गए, चुन लिए गए, उसके बाद एक करके एक अब ये लंबा वक्त चलता रहा जब 6 जो स्थायी कमेटी के सदस्य हैं उनके चुनाव के लिए वक्त आया। जरा तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, पहले आप देखिए किस तरह से हंगामा चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हंगामा हुआ उसमें आरोप लगा कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम पार्षद थे उन्होंने बैलेट पेपर फाड़ दिया, उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की, बोतलें फेंकी गई। अब वो जरा 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन 5 तस्वीरों से भी आप समझ पाएंगे कि कहाँ तक नौबत पहुँची। कल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद वहाँ पर हाथापाई तक नौबत आ गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब आपको फिर से आप कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह का पूरा दिन निकला, उसके बाद हंगामा हुआ, पूरी रात यहाँ पर हंगामा चलता रहा, बीजेपी के पार्षद यहाँ पर लगातार डटे रहे। और ये तस्वीरें आप देख कर समझ सकते हैं कि तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उससे आप जाहिर हो जाता है कि आखिरकार कल लगातार किस तरह से MCD चुनाव के बाद मेयर का आखिरकार चुनाव हुआ। करीब 80 दिन लग गए मेयर के चुनाव होने के लेकर, और उसके बाद जब चुनाव हो गया शैली ओबराय जीत गई। अब बात आगे स्टैंडिंग कमेटी को लेकर, और थोड़ी देर पहले सिविक सेंटर से ही हैरान करने वाली तस्वीर आई है, और इसमें बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता बाइक तोड़ती नजर आई हैं। जो आप तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसमें बीजेपी की जो मेयर उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता माइक तोड़ती नजर आ रही हैं, और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि रेखा गुप्ता ने पहले पोडियम पर लगा माइक को नोच कर इसे तोड़ डाला, और फिर वो टेबल पर लगे माइक को भी पटक कर तोड़ती नजर आ रही हैं। तस्वीर में उनके साथ बीजेपी के कंवलजीत शेरावत भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार क्या ऐसा हंगामा हो रहा है। अब आपको हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे थे जिसमें आपने देखा है किस तरह से जो बीजेपी की मेयर उम्मीदवार थी रेखा, उन्होंने किस तरह से माइक तोड़ा। जब आप लोग सो रहे थे उस वक्त क्या चल रहा था MCD सिविक सेंटर में, कैसे जंग का मैदान बना हुआ था पूरा MCD सेंटर, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर सुबह करीब 5 बजे की है, कई बार स्थगित होने के बाद कार्रवाई जब शुरू हुई तो पार्षदों ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग का विरोध करते हुए बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया। सुरक्षाकर्मी से लेकर मार्शल तक सदन के अंदर तैनात रहे, लेकिन सभी लोग बैलेट बॉक्स फेंकना देखते रह गए। तो माइक तोड़ना, बोतलें फेंकना, और उसके बाद बैलेट बॉक्स को ही फेंक देना, आखिरकार क्यों सदन में ऐसा हंगामा बरपा, क्या वजह थी इसकी? तो आपने देखा कि किस तरह से रात भर हंगामा चलता रहा, बैलेट बॉक्स फेंका गया। अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये भी सुबह 5 बजे की है, जिसमें आपको बोतल फेंकते हुए नजर आएंगे पार्षद। तो सदन के अंदर आप देखिए क्या हालात बन गए, जंग का मैदान पूरा बना हुआ था। 12 घंटे तक ये MCD सेंटर, यहाँ का सिविक सेंटर, जहाँ सिविक सेंस कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, और यही सिविक बॉडी है जिसको दिल्ली के अंदर सिविक सेंस लाना है लोगों के अंदर। तो सिविक सेंटर में सिविक सेंस नहीं है, बैलेट बॉक्स फेंके जा रहे हैं, माइक तोड़ी जा रही है, बोतलें फेंकी जा रही है, मेयर का आरोप बीजेपी के पार्षदों पर है। हम भी बीजेपी के पार्षदों के साथ बात करेंगे, हमारे साथ तमाम बीजेपी के पार्षद भी मौजूद हैं, जानेंगे जो एक एक जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर की सच्चाई क्या है, जो आरोप मेयर ने लगाए हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये जानेंगे हमारे साथ जो तमाम बीजेपी के पार्षद मौजूद हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं फिर पार्षदों से हम बात करेंगे। बीजेपी और आम आदमी के पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी, झूठे सेब भी फेंक दिए। ये तस्वीर MCD पार्षद की है जिन्होंने शेयर की है, खुद देखिए MCD में चुनाव के नाम पर आखिर क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक आप
कुछ बीजेपी के पार्षद को देख रहे थे। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पर किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर बोतल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो आप यहाँ पर लगातार सुन पा रहे होंगे किस तरह से बताया जा रहा है कि सेब मार रहे हैं, तो झूठे सेब भी फेंके जा रहे हैं। तो सिविक सेंटर के अंदर बोतलें फेंकी जा रही हैं, माइक तोड़े जा रहे हैं, बैलेट बॉक्स फेंका जा रहा है, पानी के बोतल मारे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।